लेकिन जब पहला पेपर दिया तो पता चला कि सिर्फ बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होने से सब कुछ नहीं होता है। अगर अवेयरनेस की बात करूं मेरे एरिया में, तो जब मैं किसी को बोलता था कि निमसेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उनका अगला क्वेश्चन यही होता है, ये क्या होता है? सर के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से सब ये रैंक आई है। तो मैं एक बार फिर सर सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए एक और निमसेट के टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 139 है। नाम है गौरव, जो कि काला पीपल एमपी से है और इनको एनआईटी त्रिची मिला है। तो गौरव, सबसे पहले तो एनआईटी त्रिची के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गौरव जो है उन्होंने ड्रॉप लिया था, तो गौरव आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छे से बताएं, और उससे कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट भी होंगे क्योंकि आप भी छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर अवेयरनेस कैसा है, लोग जानते हैं कि नहीं जानते, सारी चीजें बताएं। सबसे पहले तो मैं इस रैंक के लिए शरद सर को, प्रतीक सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जिनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन तक तो मुझे पता नहीं था कि निमसेट कोई एग्ज़ाम होता है, लेकिन हमारी क्लास का एक क्लासमेट दानिश पहले से निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और ग्रेजुएशन में मैं सीएस के लिए काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप कर चुका था, तो वहीं से मैंने फिर निमसेट एग्ज़ाम को देने के लिए डिसाइड किया। और दानिश ने जैसे ही बताया, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने इम्पिटस ज्वाइन कर लिया, और यहाँ आने के बाद तो फिर सर की क्लासेस देखने लगे। शुरू शुरू में ऐसा, पेपर जब देखे कि पेपर के लेवल हाँ हम हैंडल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, लेकिन जब पहला पेपर दिया तो पता चला कि सिर्फ बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होने से सब कुछ नहीं होता है, प्रेशर हैंडलिंग है, टाइम मैनेज करना है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो है अच्छा पीरियड था मॉक टेस्ट, जब स्टार्ट हुए तब कई सारी स्ट्रेटजी बनाते थे, उनको बनाने में मज़ा आता था और उस पर वर्क करते थे, तो मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है। मॉक टेस्ट ही है जिससे ये रैंक आ पाई है, और सर का पढ़ाने का तरीका और बहुत सारी जो छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। इसके बाद जैसे पेपर में, शुरू शुरू में जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो डर लगता था कि पेपर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इम्पिटस में हमने इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे टेस्ट दिए कि हमें सारी गलतियों पे वर्क करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और इसी को कंटिन्यू रखते हुए मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आने लगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने एक दोस्त को, जिसने हर बार टेस्ट के बाद रैंक पूछ के मेरा मोटिवेशन बढ़ाया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और अगर अवेयरनेस की बात करूं मेरे एरिया में, तो जब मैं किसी को बोलता था कि निमसेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उनका अगला क्वेश्चन यही होता है, ये क्या होता है, निमसेट क्या होता है, तो हर बार मुझे यही बताना पड़ता था कि मैं एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं, और सर के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से सब ये रैंक आई है। तो मैं एक बार फिर सर सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू गौरव। गौरव जैसे अभी आपने बोला, गौरव ने एक अपने दोस्त का नाम लिया दानिश का, जो कि अभी एनआईटी सूरतकल में लास्ट ईयर यहीं के स्टूडेंट थे। अगर सही दोस्त मिल जाए तो बहुत, देखिए एक गाइडेंस होता है और एक अच्छा दोस्त मिलना या पेरेंट्स का सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं सक्सेस में हमारे हेल्प करते ही हैं। और जो मैंने अभी आपको बात बोली कि बिल्कुल सही है कि बहुत लोग ये नहीं जानते कि निमसेट क्या होता है, और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं मतलब हर बार आपको पूरी एबीसीडी बतानी पड़ती होगी कि ये होता है। तो अब ये बताओ मुझे कि आप जिस जगह से आए हो, अब तो आपने रैंक अचीव किया, अब आप जब जाओगे तो अवेयरनेस के लिए क्या करने वाले हो? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान जो कि सक्सेसफुल है, अगर वो किसी को गाइड करेगा तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो अवेयरनेस के लिए क्या करोगे, और दूसरा अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो अगर मैसेज की बात करें, तो मैं सबसे ही बोलूँगा कि आपके पास शरद सर हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, शरद सर को पूरा फॉलो करिए, और शरद सर आपको टाइम टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं स्टूडेंट को एक मैसेज और देना चाहूँगा, खासकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का को, कि मैं जब घर पे था तो मैंने सारे टेस्ट, डीपीटी सब मोबाइल पे दे दिए, और इसकी वजह से मुझे लास्ट में स्क्रीन प्रॉब्लम हुई। तो कोशिश करें कि आप टेस्ट, TWPT जो प्रिंट करवा के रख सकते हैं, उसको ज़रूर करवा के रखें, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
और अवेयरनेस के लिए मैं अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, सबको अवेयर करवाऊंगा और उनके हेल्प करूंगा। ये बिल्कुल सही बात बोली गौरव ने। देखिए अभी क्या होता है, ऑन टाइम स्क्रीन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी का, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हम लोग मटेरियल देते हैं, मैं कहता हूं हमेशा कि आप प्रिंट करवा के रख लो, उसको सॉल्व करो, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। टेस्टिंग आप ऑनलाइन करो। तो गौरव चलिए, आपका काफी पॉजिटिव मैसेज था, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, अब आपको त्रिची जाना है, वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। थैंक यू।